हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 12 कर रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 12.2। हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे जो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाए। ओके, तो हम पहले जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्सप्रेशन बी पी, क्योंकि पी इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम उसको पी लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पी निकालना है तो ये पूरा एक्सप्रेशन हम इस साइड ले आएंगे तो पी निकल जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। पिछली वीडियो में ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्रैकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। माइनस एंड माइनस वाई स्क्वायर। सो गाइज, अब हम करते हैं माइनस इसमें से। यहां पे थ्री एक्स वाई है, पी इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब माइनस वाई स्क्वायर, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगा माइनस वाई स्क्वायर। एंड नाउ ये दोनों टर्म्स हमारे पास बची हैं, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, तो क्या होगा प्लस टू एक्स वाई। ओके, अब अगर हमें ये चीज वेरीफाई करनी है तो हम एक चीज भी कर सकते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स, इसको हमें ऐड करना है। तो अब ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। देखो ये वाला एक्सप्रेशन यही आ रहा है, तो मतलब हमारा जो आंसर निकला है वो ठीक है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट 3a प्लस 7b प्लस 16। हम इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाए। तो हम दोबारा से जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है उससे कुछ लेट करेंगे। सो लेट एक्सप्रेशन बी वाई, एक्सप्रेशन को वाई पुट लेट कर लेते हैं। नाउ अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री ए प्लस सेवन बी प्लस 16। अब स्टूडेंट्स, क्या हम माइनस वाई को इस साइड ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव वाई हो जाएगा, और इस वाले एक्सप्रेशन को इस साइड ले आते हैं ताकि बाद में हमें साइंस चेंज करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को इधर की साइड पे ले जाएंगे तो माइनस वाई बचेगा यहाँ पे, फिर हमें माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो माइनस वाई है वो पॉजिटिव वाई हो जाए। आई होप यू आर ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम इन टर्म्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। वाई इक्वल्स टू, अब हम इस वाई को इस साइड ले गए
तो इस टर्म को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, y इक्वल्स टू 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस 3a माइनस 7b माइनस 16। अब टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 2a माइनस 3a प्लस 8b माइनस 7b प्लस 10 माइनस 16। अब यहां पे देखो 2a माइनस 3a क्या होगा, माइनस a होगा। अब आप यहाँ पे एक और शेप ऐड कर सकते हो कि जो हम लोग वेरिएबल को कॉमन ले लेते थे 2 माइनस 3a, ये स्टेप भी आप अगर ऐड करना चाहते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए तो यहाँ पे आप पहले वो वाला स्टेप ऐड कर दो फिर उसके बाद आंसर। तो यहाँ पे माइनस ए प्लस बी एंड यहाँ पे प्लस 10 माइनस 16 कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस 6। सो y इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी माइनस 6, दिस इज द आंसर। अब स्टूडेंट्स अगर वेरीफाई करना चाहते हो अपना आंसर तो यहां से वेरीफाई भी हो जाएगा इसी की तरह, प्लस 8b, अब यहां पे माइनस होगा, माइनस a प्लस b माइनस 6, साइंस चेंज हो जाएंगे, यहां पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइंस कैसे चेंज हुए, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां पे 3a 8b माइनस b प्लस 7b एंड प्लस 10 प्लस 6 16। तो अब ये इससे मैच कर रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारा, मतलब कि हमारा आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे और उनका वेरिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए पूछा नहीं है, बट अगर आप लोगों को अपना आंसर खुद वेरीफाई करना है कि हमारा ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही है, तो एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20 to obtain minus x square minus y square plus 6y plus 20। इसमें से इस एक्सप्रेशन में से टेकन अवे का मतलब क्या है, क्या माइनस करेंगे हम। ओके टेकन अवे का मतलब कि कुछ निकाल लेना उसमें से, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाए। अब दोबारा से हम पिछले क्वेश्चन की तरह जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है उसे हम लेट करेंगे, और लेट चलो पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट एक्सप्रेशन बी पी, फाइन स्टूडेंट्स नाउ 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20 minus p equals to this expression minus x square minus y square plus xy plus 20। अब यहां पे भी स्टूडेंट पिछला जो हमने पार्ट किया था सेकेंड पार्ट, उसी की तरह हम p को यहां पे लेके जाएंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां पे लेके आएंगे। रीजन सबको पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, p या थोड़ा इधर से लिखते हैं, p इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy
प्लस 20। नाउ स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स हैं अब, तो हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सॉरी ब्रैकेट को ओपन करना है। 3x² - 4y² + 5xy + 20। अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6xy - 20। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ, वाई स्क्वायर एक साथ, एक्स वाई एक साथ एंड कॉन्स्टेंट्स लास्ट में। बट यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे प्लस 20 है और माइनस 20 है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो चीज कैंसिल हो रही है, पहले अगर नोटिस कर लिया है कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो वहीं पे कैंसिल कर दीजिए, बट अगर नोटिस नहीं करा है तो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दो, कोई इश्यू नहीं है। तो प्लस 20 और माइनस 20 कैंसल्ड आउट। सो स्टूडेंट्स अब हमें ये वेरिएबल वाली जो टर्म्स हमारी बची हैं उन्हें ही रीअरेंज करना है। 3x² + 6x² - 4y² + 5xy - 6xy। दिस इज 6 स्टूडेंट्स 6। तो अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कोई भी वो पार्ट ऐसे नहीं किया था कि मैंने पहले वेरिएबल को कॉमन लिया हो उसके बाद एड और सब्ट्रैक्ट किया हो। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले हम वेरिएबल को कॉमन लेने वाला स्टेप कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हर तरीके से एक एक बारी कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे अब कॉमन 3 + 1 x² अब प्लस में -4 + 1 y² + 5 - 6 xy। गॉट दिस स्टेप स्टूडेंट्स? याद है, याद आ रहा है? नाउ 4x² - 3y² - xy, दिस इज द एक्सप्रेशन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस। ओके, तो अब स्टूडेंट्स वेरीफाई करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है कि वेरीफाई कैसे होगा पिछले क्वेश्चन में, कि अगर आपको अपना आंसर पे कोई डाउट हो रहा है, आपके पास टाइम है, आप चेक करना चाहते हो अपना आंसर, तो आप उस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। बट मैंने पहले क्वेश्चन में करा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा से वेरिफिकेशन सिखाने की जरूरत है कि आप अपना आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म होता है, आंसर हमारा ये आ गया है। नाउ क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, फ्रॉम द सम ऑफ 3x - 5 + 11 and - y - 11। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन का हमें पहले सम करना है, सब्ट्रैक्ट 3x - y - 11 और इसके सम में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स मेन चीज क्या है कि आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ऑब्वियसली मैथ्स में क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, वो पूछ क्या रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम निकालना है। तो सम के लिए 3x - y + 11 and - y - 11 हमें इन्हें ऐड करना है। तो अब ये प्लस 11 और माइनस 11 तो हो गया कैंसल। अब हमारे ये दो टर्म्स बचे हैं जिसमें से 3x तो ऐसे ही आ जाएगा
और माइनस वाई माइनस टू वाई हो जाएगा माइनस टू वाई। अब आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं करना, अगर आपकी टीचर ऐसे करा रही है कि 3x - y + 11, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, चलो लगा लेते हैं हम ब्रैकेट। अब हमने हर क्वेश्चन ब्रैकेट के साथ करा है तो ये भी ब्रैकेट के साथ ही करेंगे ऐसे। ये हमारी पुरानी टेक्निक क्वेश्चन करने की, -y and -11, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3x - 2y। ओके, ये दो चीजें हो गई। अब आंसर तो ये आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसके सम में से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3x - 2y - 3x - y + 11, सॉरी -11। सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट खोलेंगे पहले, -3x + y + 11। 3x कैंसिल हो गया, -2y और प्लस वाई क्या होगा, माइनस वाई होगा, -y + 11 इज द आंसर। आप लोग अगर कॉमन लेके एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हो तो यू ऑल कैन डू दिस, बट अगर आप वैसे ऐसे भी करोगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू क्रिएट होगा। बट हाँ, अगर आपकी टीचर बोलती है कि भाई नहीं, ये स्टेप तो बहुत जरूरी है कि हम पहले वेरिएबल को कॉमन लें, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी हमें करना है, तो वो बात एक अलग है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है या मेथड कोई कोई भी एक मेथड स्पेसिफाई नहीं करा गया है, तो आई विल प्रेफर कि जिनकी मैथ्स अच्छी है, जो ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं अभी 7th क्लास के हिसाब से, तो वो ये मेथड प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पार्ट बचा है, इसके बाद वो भी देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, फ्रॉम द सम ऑफ 4x - 3x and 5 - 4x + 2 square। मतलब कि पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इन दोनों का सम करना है हमें, इन दोनों एक्सप्रेशन का। सेकंड में क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x² - 5x and - x² + 2x + 5। फर्स्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम करना है। फिर हमें सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हुए क्या पता चल रहा है क्वेश्चन के बारे में, कि पहले हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम करना है और फिर उसके बाद जो सम इसका आएगा माइनस वो जो सम इसका आएगा। ठीक है, इसका सम माइनस इन दोनों का सम सम। गॉट इट कि इस क्वेश्चन में है क्या? तो पहले हम क्या करेंगे कि हम जो फर्स्ट सम ले रहे हैं उसको चलो एक वेरिएबल से लेट कर लेते हैं, पी हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे पी एक भी वेरिएबल नहीं है तो पी मान लो। अब हमें क्या करना है, हमें सम करना है 4 + 3x। ब्रैकेट का यूज हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं तो हम अभी भी ब्रैकेट का साथ छोड़ेंगे नहीं, प्लस दिस। सो 4 + 3x + 5 - 4x + 2x². अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पहले अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो फिर हम पहले 2x² को सबसे आगे लिखते हैं। तो मतलब कि वेल मैनर्ड वे जो है एक्सप्रेशन को लिखने का वो यही है,
तो हम पहले क्या करेंगे, 2x² को ही लिखेंगे, उसके बाद अब हम लिखेंगे x वाली टर्म्स। अब देखो 3x माइनस 4x यहाँ पे दे रखा है, दैट मीन्स माइनस x एंड प्लस 4 प्लस 5, तो मतलब कि +9। हमने p निकाल लिया, मतलब कि हमने सम ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, q लेट कर लेते हैं इन दोनों के सम को, 3x² माइनस 5x ब्रैकेट प्लस माइनस x² प्लस 2x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² माइनस 5x माइनस x² प्लस 2x प्लस 5। तो अब देखिए ये जो स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, पहले वो सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस x² का मतलब क्या होगा, 2x² नॉर्मल सब्ट्रैक्शन मल्टीपिक वो एडिशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है माइनस 5x और प्लस 2x, मतलब कि माइनस 3x प्लस 5। अब हमने इसका भी सम निकाल लिया, इसका भी सम निकाल लिया। अब क्या लिखा हुआ था कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, मतलब कि हमें इस वाले सम में से इस वाले सम को माइनस करना है, उसको हम दे देते हैं r। p माइनस q, ओके, आई होप आप तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब p की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, p की वैल्यू ये है 2x² माइनस x प्लस 9, एंड q की वैल्यू स्टूडेंट्स ये रही माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5। सो स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप 2x² माइनस x प्लस 9 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। सो 2x² 2x² कैंसिल हो गया। अब हम x वाली टर्म्स को देखेंगे, 3x माइनस x का मतलब क्या हुआ, 2x, एंड प्लस 9 माइनस 5 का मतलब 2x प्लस 4 इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये वाली जो एक्सरसाइज होगी वो सबको क्लियर होगी। मैंने पहले के 3 क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में डाले क्योंकि वो थोड़े लेंदी थे, लेंदी एक्चुअली ये भी है बट इसके पार्ट्स ज्यादा नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि अब तीनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल के खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन थे भी एक ही कैटेगरी के, हमें इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना था, इस वजह से मैंने इन तीनों क्वेश्चंस की एक ही वीडियो बनाई है। सो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज पढ़ाई है अपनी तरफ से और ये तीनों क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझाए हैं, बट स्टिल कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है किसी चीज में, तो आप कमेंट में मेरे को बोल देना कि इस चीज में डाउट है या किस पॉइंट में आप लोगों को सॉल्व करने में डाउट आ रहा है, तो मैं उसको तभी क्लियर कर पाऊंगी। एकदम से ऐसे जजमेंट की भाई समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कुछ नहीं, पहले से वीडियो देखो स्टार्टिंग से, तब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब कुछ बोलना कि भाई हाँ नहीं समझ में आ रहा, पर ये नहीं कि कोई भी वीडियो उठा के देख ली उसके बाद सीधा कमेंट पास कर दिया कि भाई ये तो ऐसे पढ़ा रही है वैसे पढ़ा रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी इस एक्सरसाइज की तो पूरी वीडियोस देखना, और इसकी भी पहली वीडियोस में भी से मतलब जो जो मेरे को समझाना चाहिए था मैंने इसमें दोबारा समझाया है कि ब्रैकेट का यूज क्यों करना है कैसे करना है, एवरीथिंग आई टॉट। सो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के, जल्दी ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।